बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने का सपना देखने वाले लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने चुप्पी साध ली है। वे संभल कर और बच कर बोल रहे हैं। हालात ऐसी हो गई है कि अपने ही नसीहत देने लगे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की नई सरकार तो बन गई। चिराग ने अपने तरीके से बधाई दी है, लेकिन कोई भाव नहीं मिला। यहाँ तक कि सरकार ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए भी आमंत्रण नहीं दिया। सवाल यह भी उठ रहा है कि चिराग के इस हर्ष के लिए उनके अलावा और कौन जिम्मेदार है। कहा जाता है कि चिराग अपने दल में किसी पर सर्वाधिक भरोसा करते हैं तो वह उनके करीबी मित्र सौरभ पांडे हैं। चिराग के सारे फैसले सौरभ पांडे ही लेते हैं। LJP के एक वरिष्ठ नेता ने बताया है कि बनारस के मूल निवासी सौरभ पांडे के पिता मणिशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष हैं। साए की तरह हमेशा चिराग के साथ रहने वाले सौरभ पांडे को लेकर LJP के वरिष्ठ नेताओं में अच्छी धारणा नहीं है। इसकी वजह है कि सौरभ से ज़्यादा चिराग किसी को तवज्जो नहीं देते हैं। बिहार में अकेले चुनाव लड़ने के फैसले को भले ही चिराग खुद का बता रहे हों, किंतु पार्टी के सूत्रों का दावा है कि यह फार्मूला भी सौरभ ने बनाया था। चिराग को कब किसको और किससे बात करनी है, किसके साथ कैसे पेश आना है, सारी रणनीति सौरभ के हिसाब से ही तय होती है। इसके लिए कभी कभी पार्टी प्रवक्ता अशरफ अंसारी की मदद ले ली जाती है। अंसारी भी चिराग के इर्द गिर्द ही जमा रहते हैं। चुनाव से पहले LJP के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने में भी सौरभ पांडे की बड़ी भूमिका रही है। इस बारे में लोजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया है कि विजन डॉक्यूमेंट को कैसे तैयार कराया गया। इसके बारे में सौरभ पांडे और अशरफ अंसारी के अलावा चिराग पासवान के चंद करीबी को ही जानकारी थी। चिराग की राजनीति की पूरी स्क्रिप्ट सौरभ पांडे ही तैयार करते हैं। चिराग के जीजा एवं राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार साधु ने भी चिराग को नकली हनुमान बताया है और कहा है कि बाल हट में उन्होंने अपने ही घर को जला दिया। रामविलास जी ने मेहनत से LJP को खड़ा किया था, उनके सबसे अच्छे रिश्ते थे, मगर उनके जाते ही सब चौपट हो गया। साधु ने कहा है कि चिराग से मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, वह मुझसे छोटा भी है, इसलिए उसके अच्छे बुरे काम का असर मेरे पर भी पड़ेगा। LJP वर्ष 2000 में बनी थी, मैं भी संस्थापक सदस्य था। 2005 में LJP के 29 विधायक थे, आज 135 सीटों पर लड़कर भी शून्य पर खड़ी है। एक जीता भी है तो वो अपने दम पर जीता है, उसकी जीत में चिराग का कोई योगदान नहीं।